हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ एक कुकोल्ड स्टोरी शेयर करेंगे कि कैसे एक कपल ने पूरा प्लानिंग से अपना जो कुकोल्ड फैंटेसी थी एक हस्बैंड की, वो अपनी वाइफ के थ्रू कंप्लीट करवाई। और कंप्लीट क्या करवाई, मतलब ऐसे करवाई कि जिसको उन्होंने उस फैंटेसी को फुलफिल करने के लिए, मतलब अपनी वाइफ के लिए जिस बुल को चुना, उसको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि वो किसी की प्लानिंग का हिस्सा है। उसको पूरी तरह से अपने जाल में फंसाया जा रहा है। उसको एक मतलब होता है ना मोहरा, जैसे किसी को यूज़ करना, उसको एक मोहरे की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो स्टोरी है अभिमन्यु, दीपिका और प्रणव की। प्रणव और दीपिका हस्बैंड वाइफ हैं, और जो अभिमन्यु हैं वो इस स्टोरी में एक बुल का काम करते हैं। बट सरप्राइज की बात ये है कि अभिमन्यु प्रणव के छोटे भाई हैं। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी लॉन्ग है। आज आपको फर्स्ट पार्ट सुनाएंगे, और सेकंड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन के साथ, और वेट कीजिएगा सेकंड पार्ट का। अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको सेकंड पार्ट भी ज़रूर सुनाएंगे। तो अभिमन्यु जो है उनकी एज थी 20 ईयर्स। उनके भाई की शादी हो जाती है। देखिए, भाई की शादी के बाद एक साल तक सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। अभिमन्यु को कभी ये चीज़ फील ही नहीं हुई थी कि उनको उनकी भाभी की तरफ कोई भी किसी भी तरह का जो अट्रैक्शन है वो फील हो रहा है, या मतलब किसी भी तरह की ऐसी कोई फीलिंग अभिमन्यु के मन में नहीं थी। बट एक साल के बाद हुआ क्या कि अभिमन्यु की जो भाभी थी दीपिका, वो उसको सिड्यूस करने लगी थी। अभी सिड्यूसिंग में देखिए होता क्या है कि वो अपने तरीके आजमाती थी अभिमन्यु की तरफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, अभिमन्यु का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। उसमें वो कभी अभिमन्यु को टच कर देती थी, कभी अपनी साड़ी का जो पल्लू है वो इधर उधर खिसका लेती थी, कभी उससे लड़कियों वाले जो मजाक हैं वो करती थी। मतलब ऐसे ऐसे दीपिका हरकतें करने लगी थी। तो अभिमन्यु बोलते हैं कि मुझे बहुत अजीब लगता था कि भाभी को आजकल हो क्या गया है, वो मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करती हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करती हैं। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट धीरे धीरे देखिए, कोई लेडी अगर किसी यंग लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी, और खासकर एक ही घर में रहते हुए, तो उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। और 20 ईयर्स, देखिए ये एज ऐसी होती है कि कोई भी जो लड़का है वो किसी भी लेडी की तरफ, किसी भी गर्ल की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। बिकॉज उस टाइम उसके जो हॉर्मोन्स हैं वो कुछ उस पड़ाव पर होते हैं कि उनको कंट्रोल करना ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है। सामने से अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझे खुद अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुद को कितना कंट्रोल करेंगे ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। और 20 इयर्स की एज आई थिंक ऐसी नहीं है कि कोई लड़का खुद को ऐसे कंट्रोल कर पाएगा कि अगर कोई लेडी उसको सामने से ही बोलते हैं ना चारा ही डाल रही है। तो अभिमन्यु भी इस चीज़ से सरप्राइज थे। बट धीरे धीरे जो भाभी की हरकतें थी उससे अभिमन्यु भी अपनी भाभी की तरफ अट्रैक्शन फील करने लगे थे। उनको थोड़ा थोड़ा ये चीज़ फील होने लगी थी कि मुझे भाभी अच्छी लगती हैं, और एक देवर भाभी की नज़र के अलावा भी एक अलग नज़रिए से अभिमन्यु उनको देखने लगे थे। तभी अभिमन्यु की और दीपिका की जो दोस्ती है वो भी धीरे धीरे गहरी होती चली गई थी। अभिमन्यु अपनी हर बात अपनी भाभी से शेयर करने लगा था, और अभिमन्यु की जो भाभी हैं वो उसकी एक बेस्टी बन गई थी। जैसे दोनों आपस में हर बात शेयर करते थे, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बट अभिमन्यु अपनी भाभी को ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते थे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। पर अभिमन्यु जब अकेले होते थे तो वो अपनी भाभी को इमेजिन करते थे, और उसी इमेजिनेशन में वो मास्टरबेट करने लगे थे। उसी इमेजिनेशन में वो इंटीमेट होने वाली जो फीलिंग्स है वो लेने लगे थे, और उन्हीं फीलिंग्स को छुपाने की भी वो कोशिश करते थे। बट एक बार हुआ क्या कि अभिमन्यु के जो पेरेंट्स थे, जो दोनों ही टीचर थे,
देखिए आज की स्टोरी में एक चीज और पता चलेगी कि जरूरी नहीं है कि घर का माहौल बहुत ही मतलब सभ्य हो और फिर भी बच्चों में फैंटेसी नहीं पनप सकती। अभिमन्यु के पेरेंट्स मम्मी और पापा दोनों ही टीचर थे और उनको अपने किसी रिलेटिव की तबीयत खराब होने पर मतलब अपने जो सिटी है उससे बाहर जाना पड़ा और वहाँ पर अभिमन्यु की जो मौसी हैं वो भी रहती थी। तो अभिमन्यु की मॉम ने कहा कि चलो हम दो चार दिन अपनी बहन के पास भी मैं रह के आऊँगी। तो अभिमन्यु के जो फादर थे वो भी बोल देते हैं और घर पर अभिमन्यु दीपिका और प्रणव तीनों ही थे और उनको कोई टेंशन भी नहीं थी। तो उनको लगा कि चलो क्यों नहीं दो चार दिन हम भी आराम से रह के आते हैं, दो चार दिन हम भी शांति से रह के आते हैं। दोनों चले जाते हैं और उसी बीच होता क्या है कि जो प्रणव है उसको भी अपने बॉस के साथ बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और प्रणव की मतलब ऐसी मीटिंग आ जाती है ना कि वो कैंसिल नहीं कर सकता था, उसको जाना ही पड़ा था, ये उसकी मजबूरी बन गई थी। तो प्रणव भी चले जाते हैं और घर पर रह जाते हैं सिर्फ अभिमन्यु और दीपिका। अभिमन्यु अंदर से मतलब एकदम से मतलब उसको अंदर से खुशी हो रही थी कि अभी दो तीन दिन मैं घर पर अकेला रहूँगा और जैसे मैं चाहूँगा वैसे मैं अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर पाऊँगा, वैसे मैं घर पर रह पाऊँगा, अपनी जो नींद है वो भी पूरी कर पाऊँगा। देखिए टीचर अगर पेरेंट्स अगर टीचर होते हैं तो बच्चों पर जो थोड़ी सी पाबंदियां हैं ना वो एक्स्ट्रा हो जाती हैं बिकॉज उनकी जो डिसिप्लिन लाइफ होती है वो थोड़ी सी बच्चों को एक मतलब होता है ना बेड़ी की तरह लगती है कि मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मुझे किसी ना किसी चीज़ के लिए टोकते रहते हैं। तो अभिमन्यु को एक मतलब अंदर से राहत मिल रही थी कि सब जा रहे हैं तो मैं आराम से कुछ दिन रह पाऊँगा और मेरे ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। अभिमन्यु रिलैक्स हो जाते हैं बट उनके माइंड में जो उनकी भाभी की एक पिक्चर बन चुकी थी, अपनी भाभी को जो वो इमेजिन करने लगे थे उस फीलिंग को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और रात के टाइम वो जैसे होता है देखिए आजकल के बॉयज क्या गर्ल्स भी क्या बूढ़े जवान जिसको देखो उसको पॉर्न मूवीज का बड़ा शौक चढ़ाया भाई, पॉर्न मूवीज देखते हैं किसी को इमेजिन करते हैं तो फिर तो मतलब ये जो ज़्यादा फैंटसीज पनप रही हैं या ज़्यादा हमारी सोसाइटी में या हमारी इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में मतलब कुछ उल्टे सीधे जो काम हो रहे हैं ना उनमें जो पॉर्न मूवीज हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है और इनको देख कर इमेजिन करते हैं, उसके बाद बात आती है मास्टरबेट की, मास्टरबेट करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी जो फैंटसीज हैं बहुत सारी कुछ खुशियां कुछ दिक्कतें उभर के सामने आती हैं। तो अभिमन्यु भी ऐसे ही रात को पॉर्न मूवीज देख रहे थे और वही देखते देखते उनको नींद आ जाती है और वो नींद में ही अपनी जो भाभी है उसको इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन करते करते उनका जो प्लेजर लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और उसी में सुबह हो जाती है, मतलब पूरी रात उसी चक्कर में निकल जाती है क्योंकि घर में कोई था नहीं और अभिमन्यु एकदम से फ्री थे तो उसी फ्री फ्री के चक्कर में पूरी रात उन्होंने पॉर्न देखी और उसके बाद अपनी जो थॉट है अपनी जो सोच है उसके घोड़े दौड़ाए और अपनी भाभी को इमेजिन वो करने लगे। ऐसे ही सुबह हो जाती है बट अभिमन्यु को ये चीज़ ध्यान ही नहीं होती है कि सुबह हो चुकी है और वो दीपिका को ही इमेजिन कर रहे थे और उसी को इमेजिन करते करते वो मास्टरबेट करने लगे थे और उसी टाइम उन्होंने ज़्यादा कपड़े भी वेयर हैं वो नहीं किए हुए थे और जिस टाइम अभिमन्यु का ऑर्गेज्म होने वाला था ना उसी टाइम उसकी जो भाभी हैं वो रूम में एंट्री कर देती हैं और रूम में एंट्री करती हैं वो झाड़ू लेकर। अरे जैसे ही वो रूम में एंट्री करती हैं तो सामने बेड पर अभिमन्यु को इस हालत में देखकर उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं, उसको तो समझ ही नहीं आता वो क्या करे और वो एकदम से रूम से बाहर चली जाती है। इधर
अभिमन्यु के मन में एक डर हो जाता है कि अगर भाभी ने भैया को या घर में किसी को भी इसके बारे में बता दिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी, बिकॉज पेरेंट्स दोनों टीचर थे। नॉर्मल पेरेंट्स भी देखिए, अगर बच्चे को ऐसा कुछ करते हुए पकड़ लेंगे तो वो उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे, बिकॉज सबके माइंड में एक चीज़ होती है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है। हालांकि मास्टरबेट करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई कोई करता है, आई थिंक अधिकतर जो लोग हैं वो ये चीज़ करते हैं, बट फिर भी पेरेंट्स को ये चाहिए होता है कि हमारा जो बच्चा है वो एकदम से सीधा साधा हो, सिर्फ स्टडी पे फोकस करे, सिर्फ अपने करियर पर फोकस करे। तो ये जो चीज़ें हैं ये छुपा कर ही रखी जाती हैं और सब इनको छुपा कर ही रखते हैं, बिकॉज अगर ये सामने आती हैं तो फिर बहुत बवाल होते हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ बच्चों पर लग जाती हैं। बहुत डर गए थे अभिमन्यु, बट उन्होंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और सोचा अगर भाभी मुझे कुछ पूछेंगी, मुझे कुछ बोलेंगी तो मैं उनको समझा दूंगा, उनसे माफ़ी मांग लूंगा, उनको जैसे तैसे समझा लूंगा कि वो किसी को ये चीज़ ना बताएं। दीपिका खाना बनाती हैं, अभिमन्यु जाते हैं खाना लेने के लिए और जैसे ही वो खाना डालकर अपने रूम में आने लगते हैं तो दीपिका उसको टोक देती हैं और बोलती हैं कि अभिमन्यु खाना मैंने भी नहीं खाया है और घर में हम सिर्फ दोनों ही हैं तो क्यों ना हम साथ में बैठकर ही खाना खा लें। अभिमन्यु बोलते हैं कि ठीक है भाभी। दोनों डाइनिंग पर बैठकर खाना खाने लगते हैं और जब दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है और अभिमन्यु वहाँ से उठ के चलने लगते हैं तो पूरा खाते पीते टाइम उनकी जो बातें थी वो नॉर्मल थी। अभिमन्यु भी खुद को मतलब रिलैक्स फील कर रहे थे कि भाभी इस टॉपिक को अब दोबारा नहीं उठाएंगी, वो कुछ किसी को बोलेंगी नहीं, बिकॉज़ अगर उनको कुछ बोलना होता तो वो जितनी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं वो अभी मुझे कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलती, और अभिमन्यु इस चीज़ को सोच कर ही रिलैक्स हो गए थे। बट जैसे ही वो अपनी प्लेट उठाकर खड़े हुए और वहाँ से चलने लगे तो दीपिका ने उसको बोल दिया था कि आगे से अगर ऐसा कुछ करो तो प्लीज़ रूम को लॉक करना मत भूलना। अभिमन्यु जैसे ही ये वर्ड सुनते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। भाभी ने मजाक के मूड में ही बोला था बट अभिमन्यु का जो माइंड है वो एकदम से सन्न रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब वो कहे क्या करे क्या। वो एकदम से चुपचाप अपनी प्लेट किचन में रखता है और अपने रूम में चला जाता है। अभिमन्यु का जो माइंड था वो उसी चीज़ पर घूम ही जा रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, भाभी अगर मुझसे कुछ पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या मैं उनको कहूंगा। बट उसी सोच में अभिमन्यु को आ जाती है नींद, बिकॉज पूरी रात तो भाई लड़का सोया ही नहीं था, पूरी रात तो फोन देख रहा था, इमेजिनेशन में खोया हुआ था और उसी इमेजिनेशन में इतना जो पंगा है वो उसने क्रिएट कर लिया था। उसको आ जाती है नींद और नींद ही गहरे वाली अभिमन्यु को आ जाती है, बट जब उसकी आँख खुलती है तो उसको फील होता है कि उसके पास कोई लेटा हुआ है और जैसे ही अभिमन्यु पलट के देखते हैं तो दीपिका उनके साथ बिस्तर में थी और दीपिका उसको यहाँ वहाँ हाथों से टच भी कर रही थी। अभिमन्यु एकदम से खड़े हो जाते हैं और दीपिका को बोलते हैं कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं, दिस इज़ नॉट राइट, अगर भैया को इसके बारे में पता चला तो घर में बवाल हो जाएगा और अगर मम्मी पापा तक ये बात पहुँच गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। दीपिका उसको बोल देती है कि देखो घर में कोई नहीं है और तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तुम मास्टरबेट करते हो, पॉर्न देखते हो, इतना सब करते हो तो तुम मेरी बात मान ही सकते हो, मेरे साथ जो रिलेशन है वो बना ही सकते हो और हम तो इतने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तो अगर मैं तुम्हारे काम आ जाऊं और तुम मेरे काम आ जाओ तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और वो उसको बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं कि देखो देवर भाभी का जो रिलेशन है वो तो वैसे भी ऐसा ही होता है, देवर भाभी एक दूसरे के साथ बहुत मतलब रिलेशन बना सकते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है और इस चीज़ का हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। अभिमन्यु थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर दोनों खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि 4-5 दिन के लिए हम दोनों अकेले ही हैं घर में तो हम बहुत अच्छा जो टाइम है वो स्पेंड करेंगे। और उसी थॉट में
दोनों बहुत ही खुश थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों का रिलेशन भी बन जाता है, दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और उसी दिन में चार बार उनका जो इंटीमेशन था वो होता है और चार बार वो ये सब करते हैं। और दीपिका का जो नेचर है वो बताते हैं कि दीपिका कभी इस चीज़ के लिए मना ही नहीं करती थी, उसके अंदर जो हॉटनेस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको अगर चार बार के बाद पांचवी बार भी अगर बोला जाए तो उसकी ज़ुबान पर ना नहीं था। और दूसरी तरफ देखिए, घर में कोई था नहीं तो दोनों एकदम से रिलैक्स भी थे कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और दोनों की एज भी ऐसी थी। और कहते हैं ना, अगर रिलेशन गलत होते हैं तो उनका अट्रैक्शन भी कुछ ज़्यादा ही होता है। हस्बैंड वाइफ अगर घर में अकेले होंगे तो उनकी एक लिमिट होती है हर चीज़ की, बट अगर कोई रिलेशन ऐसा होता है जिसको छुपा कर अगर कोई रखना चाहता है तो उनका जो अट्रैक्शन लेवल है ना वो कुछ ज़्यादा ही होता है। बिकॉज इंसान के अंदर एक चीज़ होती होगी ना कि भाई ये पता नहीं दोबारा कब तुम्हें मिलेगा, कब तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा, तो उस टाइम को उन लोगों को लगता होगा कि भाई चलो इसको तो हम जी लेते हैं, जैसे चाहे वैसे जी ले, ताकि अगर कल को ऐसा मौका ना भी मिले तो इसी टाइम को जो है याद कर करके वो अपनी कुछ मेमोरीज बना पाए। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, फिर रात भी निकल जाती है, नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। दो दिन तक दीपिका और अभिमन्यु का ये जो सीन था ये चलता ही रहता है। और रात को फिर अगला दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर से नाइट आ जाती है और दोनों के अंदर ही एक, मैं बता रही हूँ ना, मतलब उनका दोनों का माइंड एकदम से रिलैक्स था कि घर में कोई आने वाला ही नहीं है। प्रणव भी तीन चार दिन बाद आने वाले थे और अभिमन्यु के जो पेरेंट्स हैं वो भी एक हफ्ते बाद आने वाले थे, तो दोनों को किसी का डर था ही नहीं। और रात को फिर जब दोनों का जो मतलब इंटीमेशन टाइम होता है ना उसमें वो पूरी तरह से खोए होते हैं, बट उनको नहीं पता था कि ये जो चीज़ है, ये जो वो कर रहे हैं, अब इसका आगे क्या होगा, इसका जो नतीजा है वो क्या निकलेगा। और आपको भी आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ। अभिमन्यु और दीपिका का ये रिलेशन जब प्रणव के सामने आया तो क्या हुआ और कैसे उनकी स्टोरी आगे बढ़ी, तो उसके लिए वेट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और नोटिफिकेशंस अगर मिलेंगी तो आप स्टोरी को मतलब फुल्ली इंजॉय भी कर पाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।